जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास परमार में। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आपने महाकाल लोक तो पूरा घुमा दिया, लेकिन अगर हम महाकाल लोक आएँ तो रहे कहाँ, है ना। तो एक होटल की व्यवस्था आप हमें बताएं कि किस तरह की छोटी होटल और कम से कम बजट में कहाँ पर आपको जो है रूम अवेलेबल हो सकते हैं महाकाल से, पार्किंग के कितने पास क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ें मैं एक बढ़िया सी एक कस्तूरी पैलेस करके एक न्यू होटल का एक अब जस्ट अभी अभी शुभारंभ हुआ है। जितने भी हमारे भाई लोग जो है उज्जैन दर्शन के लिए आते हैं, महाकाल लोक के दर्शन के लिए आए, तो उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा असुविधा ना हो, ताकि उस हिसाब से कि आप लोग बिल्कुल जैसे आने से पहले ही कॉल करके ये पूछ रहे कि यार भाई साहब रूम अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या जो भी है वो प्री बुकिंग भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो नंबर वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे होंगे, तो आप पूरी डिटेल्स जान सकते हैं आने से पहले। जहाँ पे आप घर से निकलें उससे पहले एक बार कॉल कर लें कि यार आपके पास रूम अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो जो भी है। और आपको पूरा जहाँ से महाकाल लोक स्टार्ट होता है वहाँ से रूम कितनी दूर है, ये पूरा मैं आपको इसके लोकेशन वाइज पूरा दिखाऊंगा और पूरा टूर करवाऊंगा। चलते हैं। तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये महाकाल लोक का मेन एंट्रेंस यहीं से है, मेन द्वार यहीं से है, प्रवेश द्वार आपको सामने दिख रहा होगा। ये है महाकाल लोक का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से जब अपन एंटर करते हैं सामने ब्रिज पड़ता है और ये महाकाल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और सामने ये जस्ट आपको पार्किंग देखने को मिलेगी और पार्किंग से ये जो चौराहा है, बस ये चौराहे से अब आपको जो है, तो यहाँ से आपको होटल कस्तूरी पैलेस के लिए लेके चलते हैं जो आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट चौराहा है यहाँ से और यहीं से इसका मेन रास्ता है। मधुरम रेस्टोरेंट के जस्ट पास में एक गली है और गली से सीधा अंदर ये रास्ता जो है सीधा कस्तूरी होटल के लिए जाता है। चलते हैं, पूरा टूर करवाते हैं। तो ये जैसे कि अपन आ गए हैं जस्ट सामने, और ये है कस्तूरी गेस्ट हाउस। एसी व नॉन एसी रूम उपलब्ध है। और ये है हमारे मालवी जी की, जैसे कि देखने में बहुत प्यारी लग रही है। जल अंदर जाते से ही अपन को एक गलियारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत सुंदर है, और यहीं से जो है अपना एक रूम अपने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रूम नंबर 1 है और जिसकी सुविधाएं आप देख लें, सुविधा जो है डबल बेड आपको इसमें मिलेगा और गादी वगैरह जो भी सुविधाएँ होती है, नॉर्मल सुविधाएँ जो होती है वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ है और आने वाले समय में जस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन है ये, तो इसमें भी एसी वगैरह के पॉइंट छूटे हुए हैं, तो बहुत जल्दी यहाँ पे एसी और नॉन एसी की भी सुविधा इसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो रूम की साइज़ जो है बहुत सफिशिएंट साइज है, तकरीबन 12x12 का रूम है। इसमें आराम से 8 लोगों की व्यवस्था हो सकती है, 3 लोग ऊपर सो सकते हैं यहाँ पर नीचे और यहाँ पर नीचे। अगर बड़ा परिवार है तो वो बड़ा आराम से जो है एडजस्ट हो सकता है। चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब व्यवस्थित तौर पर है यहाँ पर, और जो भी सुविधाएँ उपलब्ध होती है बिल्कुल सारी सुविधाएं। अब बात करें अपन बाथरूम की, क्योंकि एक जब अपन कोई गेस्ट रूम अपन एक लेते हैं तो उसमें जो है बाथरूम का होना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसा है वो भी एक बहुत डिपेंड करता है। तो भाई ठंड का मौसम है अभी फ़िलहाल में, तो गीज़र आपको देखने को मिल जाएगा, शावर है और वेस्टर्न टाइप की WC सीट लगी हुई, पानी वगैरह की सुविधाएँ कम्प्लीट है, सब कुछ है इसमें। इसमें जो है 3 रूम है यहाँ पर, और 3 रूम में से पहला एक नंबर दिखा दिया। गलियारे की बात करें तो गलियारे में बहुत प्यारी सी POP देखने को मिलेगी। वैसे तो रहना नहीं है अपन को यहाँ पे, सिर्फ अपन गेस्ट रहेंगे सिर्फ 1 या 2 नाइट के लिए। कहें हैं रूम नंबर 2 पर, तो 2 पर जब बात करें अंदर चलते हैं तो घुसते से ही अपन को भी डबल बेडरूम है, और जिसमें बढ़िया से 5 से 6 लोग आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं। इसमें इंडियन सीट लगी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति VIP नहीं होता है, है ना। और हमारे लिए तो सभी लोग VIP हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार किसी को इंडियन टाइप का, किसी को देसी सीट पसंद आती है और किसी को विदेशी सीट पसंद आती है। जैसे कि अगर कोई महिलाएं हुई या लेडीज़ अपने जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको वेस्टर्न टाइप की ही बेस्ट रहती है। और अपने इंडिया में क्या है, और ये है मालवा का क्षेत्र, तो यहाँ पे सब अधिकतर लोग जो देसी यूज़ करते हैं, तो देसी टॉयलेट। तो जैसे कि देखा रूम बहुत प्यारा है, और अब चलते हैं तीसरे रूम के पास। तो सुविधा की बात करें, सेफ्टी, अब ये तीसरा रूम है अपना, और थर्ड रूम भी ये रूम नंबर 3, और इसकी भी साइज़ जो है बहुत प्यारी साइज़ है। इसमें भी डबल बेड है, तो 3 बेडरूम है यहाँ पर, और तीनों में डबल बेड की व्यवस्था है, और बढ़िया सी सारी लाइट फीचर्स वगैरह सब हैं, टॉयलेट वगैरह इंडियन और अपने वेस्टर्न टाइप के, जैसे आपको चाहिए उस तरह के रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा। गीज़र के पॉइंट की बात करें तो सब कुछ गीज़र, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों टाइम पानी पीने का गीज़र, आपका जो पानी की व्यवस्था, RO का पानी की बॉटल जब आप इन करते हैं, तो और जो भी डिटेल है अपन भाई साहब से बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या ये सुविधा अपन को प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब भाई साहब अपने कुलदीप मालवी जी जो है अपने साथ आ गए हैं, और ये जो होटल कस्तूरी पैलेस है इनके ओनर यही हैं, और जो कस्तूरी पैलेस है वो इनकी मदर का नाम है, तो मदर के नाम से इन्होंने होटल खोली है जस्ट अभी अभी।
और जो भी, तो कुलदीप भाई ये बताओ कि पेमेंट पे कैसे क्या रहता है? पेमेंट तो जो है कि जो भी हमारा पहले प्री बुकिंग कर देता है, अच्छा कॉल पर हम कॉल पर पेमेंट बताते हैं। मतलब भैया पेमेंट का ऐसा रहेगा, मिनिमम चार्ज जो भी लगता है, मिनिमम चार्ज रहेगा यहाँ पे एरिया में, आसपास में जितने भी क्योंकि एरिया जो है महाकाल लोक की वजह से आसपास का एरिया बहुत तेजी से डेवलप हो गया है, और आसपास के जितने भी घर थे, घर मतलब जो घर हुआ करते थे वो आज की तारीख में होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों से कम आपका जो रहेगा रूम चार्ज रहेगा। और रूम चार्ज का डिस्कस जो भी है, जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं उस नंबर पर आप कॉल करिए और भाई साहब क्या से आपकी बात होगी, और जो भी रहेगा वो प्री बुकिंग के हिसाब से आपको जो है कम से कम पेमेंट में जो है बुक कर लिया जाएगा। और ये मतलब पेमेंट का इशू इसलिए है कि यार डायरेक्ट ओपनली यहाँ का जो पेमेंट चल रहा है वो ओपनली हम आपको शो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बाकी जो नंबर शो हो रहे हैं आप भाई साहब से बात करें, और रूम की क्वालिटी वगैरह मैंने आपको बता दी है, और जस्ट अभी नई न्यू ओपन हुआ है तो अभी काफ़ी सारी सीनरीज वगैरह जो भी है डेकोरेशन का काम भी थोड़ा थोड़ा मतलब भाई साहब डेली कुछ ना कुछ नया नया इंप्रूवमेंट कर ही रहे हैं, तो आपको रूम में सर्विस में किसी प्रकार की कोई, हाँ सर्विस की बात करें, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करोगे सबसे बड़े? सर्विस में भोजन है, भोजन ऑर्डर पे मंगवा दिया जाता है, भोजन मतलब चाय नाश्ता भोजन वगैरह जो आपको चाहिए उज्जैन बेस्ट होटल से आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पानी जो रहेगा, पानी की बोतल वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी, 1-2 लीटर की पानी की बोतल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो है आर ओ की एक पानी की बोतल जो है आप जैसे पीछे देख रहे हैं ये बोतल बकायदा आपके पास 24 घंटे जितने भी समय आप रुकते हैं आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और बात करें सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है नहीं है? सिक्योरिटी के नाम से अपने आप पे अपने कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे लगा रखे हैं, तो जैसे कैमरे की बात है तो ये सामने कैमरा भी दिख गया है, तो गलियारे में जो है कैमरा लगा हुआ है, आपका जो भी सामान वगैरह रहता है यहाँ पे आप जैसे कि दर्शन के लिए आएंगे उज्जैन महाकाल लोक तो बकायदा आप सामान रखें, और सामान रखने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने दर्शन वगैरह करें, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी आपको अव्यवस्था या ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि यार मतलब कुछ तो भी श्रद्धालुओं के लिए आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। तो आप आए और आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल घर की तरह ही आपको यहाँ पर जो है लोग आपको देखने को मिलेंगे, और उज्जैन जो है बहुत ही शांत माहौल है, और उसी वजह से इतनी भीड़ बढ़ रही है महाकाल लोक में कि बस आप जब आएंगे ना महाकाल लोक तो वाकई में समझ में आएगा कि यार कहाँ किस लोक में आप आ चुके हैं, किस लोक में आ गए हैं। और यहाँ पे जो है भाई साहब का नेचर वगैरह जो मैंने बातचीत करी बहुत प्यारा नेचर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मालवा के लोग हैं भाई हम तो बिल्कुल देसी ठाट रहता है, तो आप लोग आएँ विजिट करें। जय श्री महाकाल। जी।